विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी, इसे धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर होने वाली भस्म आरती देश नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है, महाकाल की भस्म प्रसाद के रूप में ले जाना नहीं भूलता। इसके पीछे क्या मान्यता जुड़ी है, आइए जानते हैं महाकाल मंदिर के पुजारी यश गुरु से। देश महाकाल, जैसा कि सबको ज्ञात है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती नित्य होती है। वो प्रातः काल के समय ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती करी जाती है और इसकी विशेष महत्वता भी है। साथ ही साथ में अनेक लोगों में ये भ्रांति है कि मुर्दे की भस्में भगवान महाकाल को चढ़ाई जाती है, जो कि गलत तथ्य है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और जो बाबा महाकाल जी भस्म जो निर्माण होती है, वो विशेष औषधियों और विशेष मंत्र उच्चारण के साथ में उसको तैयार करा जाता है और अघोर मंत्र के साथ में बाबा महाकाल को नित्य भस्मारती भस्म के रूप में बाबा महाकाल को चढ़ाई जाती है। इसको जो दर्शनार्थी और श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं तो प्रसाद के रूप में भस्मी को लेके जाते हैं, इसकी विशेष महत्वता रहती है। साथ ही साथ में ऐसी भी मान्यता है कि जो भभूति है वो गाय के गोबर कंडे उपले से बनती है और ये भी है, पुराणों में उल्लेख भी है कि जो गाय का गोबर रहता है उसमें लक्ष्मी का वास रहता है। तो जिसको भी धन से संबंधित संकट है घर में परिवार में, तो इसको भस्मी को थोड़ी सी भस्मी को भी अगर वो घर में रखता है तो उसके घर में किसी भी प्रकार की जो धन हानि है वो सब ना ख़त्म होती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी उनके घर में होती है। और साथ ही साथ में जो भी जो हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं या किसी भी रूप से बीमार रहते हैं, वो इसको ऐसे मेडिसिन थोड़ी सी अगर ले लेते हैं, इसका सेवन कर लेते हैं, तो उनकी जो समस्या है, जो बीमारी, वो भी दूर होती है। तो इस प्रकार से बाबा महाकाल की भस्म का एक विशेष महत्व है जी। उसको विशेष तौर पे या तो अपने लॉकर में वो रखे या फिर घर में जो भगवान का देव स्थान रहता है वहाँ पे उसको पूड़िया के रूप में उसको रखे और उसकी पवित्रता बनाए रखे, तो उससे उसको और ज़्यादा लाभ मिलता है।